नबी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम शर्त भी अपना गर्दन कटवा देंगे, अगर हम शिव के लिए कटवाएंगे तो हम नबी के लिए भी कटवाने को तैयार। नबी के इतना ये कैसे आप हो गए? अरे भाई मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, मेरे पास कुरान है और कुरान में नबी का बढ़िया जिक्र है। अल्लाह ने बताया है मूसा अलैहि सलाम यहूदियों के पैगंबर, ईसा अलैहि सलाम ईसाइयों के पैगंबर, हजरत मोहम्मद साहब इस उम्मत के लिए। सब हमें पता है, हम पागल बो रहे नहीं है, हम इस्लाम को पूरी तरह से स्टडी करे हुए। मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी, एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। हमारे नबी ने उनका हालचाल, इनके घर गए थे, उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, आप कहीं भी देख लीजिए नहीं है, कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम पलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उनमें भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे और बोले थे मेरे प्यारे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे, इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं, उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। बादशाह से 73 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, लेकिन ये सिर किस लिए हो जाता है कि उस साहब लगाना जरूरी है, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका को नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। नबी के बारे में और सुनिए, वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी, शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की, उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है जो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे। उन्होंने नशा भी हराम कराया था। क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती है?